चलिए इस वाले में अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म तो कर लिया अपन। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार अपन शॉर्ट नोट्स अपना अपडेट कर लेते हैं, ठीक है? तो कंसंट्रेशन टर्म अपन लिख रहे थे, रिव्यू करते हैं चैप्टर को हम लोग बड़े शॉर्ट में। क्लास 11th वाले ये सारे थे, है ना? इनफैक्ट क्लास 9th वाले थे सारे, उसमें एक पीपीएम बस जुड़ गया था। उसके बाद हम लोग को पता है कि क्लास 11th वाला जो टर्म्स है वो तीन टर्म्स है। ये तीन हम लोग पढ़े पिछले वीडियो में। एक था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर सॉल्यूट का निकाले तो N1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, मोल्स, ठीक है ना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मोल्स। फिर हम लोग पढ़े मोलैरिटी, जो हम लोग बात किए कि केमिस्ट्री में मैक्सिमम जगह मोलैरिटी यूज़ होता है, वो होता है कैपिटल M से डिनोट, यूनिट भी यही होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है? लास्ट वाला हम लोग पढ़े मोलैलिटी। मोलैलिटी ये हम लोग बोले कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। ये स्मॉल M से डिनोट होता है और ये होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N ऑफ सॉल्यूट, मोल्स को N से डिनोट करते हैं अपन, भाई केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये पहला था जिसमें सॉल्वेंट आता है डिनोमिनेटर में, ठीक है? तो ऐसे अपने को इमेज बनाते रहना है चैप्टर का, कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़े होमोजेनस वगैरह, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, फिर कंसंट्रेशन टर्म्स में आए, फिर उसमें देखे 9th वाला है कुछ ईजी ईजी चीज़ें, परसेंटेज, फिर 11th में आए, ठीक है? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। और क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग को पता है कि अप्रोच क्या लेना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, अपने को पहचानना है कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूशन दोनों को मिला के। तो इथेनोइक एसिड सॉल्यूट है यहाँ पे और बेंजीन जो है एक सॉल्वेंट है। ऐसे भी जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट, कम क्वांटिटी वाला सॉल्यूट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी पता है और आइडेंटिटी पता होने से मोलर मास निकाला जा सकता है। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो अपन देख रहे हैं यहाँ मोलर मास 60 है, ठीक है? सॉल्वेंट का आइडेंटिटी क्या है, बेंजीन जो कि C6H6 होता है, इसका मोलर मास होता है 78, ठीक? अब देखिए निकालना क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपना, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 बाई केजी ऑफ सॉल्वेंट, केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए अपने को, ठीक है? तो दिया हुआ है, अब गिवन मास दिया हुआ है कितना, 2.5 ग्राम सॉल्यूट है, 75 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। इंटरेस्टिंग, तो क्या केजी पता चल गया सॉल्वेंट का यहाँ से? तो एक तो अपने को ये चाहिए और एक चाहिए N1। क्या N1 निकाल सकते हैं, गिवन मास पता था, मोलर मास भी पता है, ठीक है? सॉल्व हो गया, हो गया आंसर। मतलब ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा न्यूमरेटर और ये रहा डिनोमिनेटर। तो N1 बाई अपने को करना है 75 को केजी में कन्वर्ट करना है, केजी में क्या होगा, 75/1000, क्लियर? तो देख सकते हैं आप 75/1000 है और पहले वाले का मोल्स कैसे निकाला, 2.5/60। तो अपना आंसर क्या हो गया, 2.5/60 डिवाइड बाई 75 डिवाइडेड बाई 1000। तो 1000 नीचे ऊपर चल जाएगा 1000, ठीक है? तो ये अपना आंसर आ जाता है 0.556, 0.556, ठीक? तो एज यूजल NCERT से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आंसर पॉइंट में आने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, ठीक है? सिंपल सिंपल अप्रोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इस बार क्वेश्चन 1.1 में बोलता है कैलकुलेट द, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी सेटल डाउन, थैंक्स। तो इस बार बोला गया है कैलकुलेट द, इसको अपन नीचे रख लेते हैं और फिर से अपना टेबल पे अपडेट करेंगे, ठीक? ये रहा टेबल, तो अपना टेबल यहाँ अट नहीं रहा है, एक मिनट, लेट मी यूज़ दूसरा पेज। हाँ, ये रहा अपना आ गया टेबल फिर से यहाँ। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया जाए पहले। मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। मास परसेंटेज क्या होता है, सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बाई टोटल मास इंटू 100,
ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो मतलब अपने को इस वाले कॉलम से मतलब है। अब इस वाले कॉलम का क्या क्या पता है, मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। गिवन मास क्या है कि 22 ग्राम बेंजीन लिए हैं, 122 सॉल्वेंट लिए हैं, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, टोटल कितना हो गया 144। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, बेंजीन का आइडेंटिटी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है ये बेंजीन है, यहाँ पे काम है नहीं आइडेंटिटी का, मोलर मास का कोई काम ही नहीं है क्योंकि मास परसेंट पूछा है। तो अपना आंसर आएगा 22 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 100। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, देख सकते हैं इससे ज़्यादा सिंपल तो क्या ही देगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं इंडेक्स वाले अपने, ठीक है। तो मास परसेंटेज यही जो भी आ रहा है वो आंसर होगा, लगभग 15.28 आएगा इसका आंसर, जो अपना आएगा 15.28%। ठीक है, तो बोला है मास परसेंट ऑफ बेंजीन और CCl4 भी निकाल लें। अगर CCl4 का निकालना हो तो ऊपर क्या लेंगे न्यूमरेटर में, CCl4। तो मास परसेंटेज इस बार CCl4 वाला, तो CCl4 का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100। ठीक है, क्लियर। ये अपना जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा 84.72%। ठीक, आना भी चाहिए था, इन दोनों का सम मिला के 100 होगा, बाइनरी चीज़ है, टोटल 100 था, ये इतना परसेंट है तो ये 100 माइनस उतना परसेंट है ना, तो 100 माइनस भी लिख सकते थे या फिर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछ रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिर से ये टेबल यूज़ करेंगे। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स, कंपोनेंट 1 का निकाल रहे हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मोल्स। मतलब इस बार सबसे इंपॉर्टेंट टेबल कौन सा अपने लिए, ये वाला, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बेंजीन का निकालना है, बेंजीन सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन दोनों से क्या मोलर मास पता चल जाता है, हाँ, तो ये बेंजीन होता है C6H6, तो बेंजीन का मोलर मास जो आता है वो आता है 78। आइडेंटिटी पता, मतलब मोलर मास पता है। CCl4 का जो मोलर मास आएगा वो आएगा कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5, तो ये जोड़ जाड़ के 154 आएगा। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है और टेक्निक सीखना है तो कृपया करके बैक एक्सरसाइज जाके देखें। यहाँ हमारा मकसद कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, यहाँ हमारा मकसद है बस कॉन्सेप्ट सिखाना है कि क्या अप्रोच होगा क्वेश्चन का। ठीक, N1 चाहिए, N1+N2, तो मतलब गिवन मास भी चाहिए, मोलर मास भी। क्या गिवन मास दिया है 30% बाई मास इन CCl4, तो एक कंसंट्रेशन टर्म दिया है। अब कंसंट्रेशन टर्म को स्टेटमेंट में लिखना आना चाहिए। 30% मतलब होता है 30/100 और मास परसेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास मतलब सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब अगर सॉल्यूट 30 ग्राम था तो टोटल कितना था 100 ग्राम। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन आना चाहिए हम लोग को। तो गिवन मास में लिख सकते हैं कि चलिए अगर सॉल्यूट 30 है तो टोटल कितना होगा 100 और ये कितना होगा CCl वो कितना होगा 70। अब आ गया मुझे गिवन मास मोलर मास दोनों कॉलम भर गया पूरा, N1 निकल जाएगा, N1 N2 भी निकल जाएगा। तो N1 यहाँ से आ रहा है गिवन मास बाय मोलर मास 30/78, N2 यहाँ से आ रहा है गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है 154, और यहाँ पे पुट कर देंगे जो भी आ रहा है इसको यहाँ पुट कर देंगे, N1+L2 निकाल लेंगे। सारा कुछ पुट करने के बाद सारा वैल्यू अपने को पता चल गया टेबल से, इसका आंसर आता है मोल फ्रैक्शन बेंजीन का जो आएगा वो आएगा 0.458। ठीक है, कंपोनेंट 2 का बोला तो यह 1 माइनस इतना कर सकते हैं या फिर N2/N1+N2 भी किया जा सकता है, दोनों से सेम आंसर आएगा, आंसर आएगा 0.542। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। फिर से ये बेसिक टाइप का ही क्वेश्चन है, कुछ भी फैंसी इसमें हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इस बार बोल रहा है, देखिए क्या बोलता है, अपन फिर से टेबल यूज करेंगे, लेट मी ब्रिंग द टेबल फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा अपना टेबल। ठीक, इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि फॉर्मूला यूज़ कौन सा होगा, मोलैरिटी होगा। ठीक,
तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब अपने को चाहिए ये बॉक्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन सा है, थर्ड ठीक है, सेल फ्रॉम वॉल्यूम वाले कॉलम से। अब देखिए क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट बोलता है 30 ग्राम ऑफ इतना इन 4.3 लीटर। तो आइडेंटिटी दिया हुआ है मोलर मास निकाल लेंगे। हाँ, CONO3 होल ट्वाइस .6H2O का मोलर मास निकाल सकते हैं। कोबाल्ट होता है 59, नाइट्रोजन 14 इंटू 2 16 इंटू 3 48 यहाँ से, और इसको मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 पानी, इसको भी जोड़ना है 6 इंटू 18, ये टोटल मिला के आएगा 291 ग्राम। ठीक है, तो ये मोलर मास हो गया। प्रीवियस नॉलेज से अगर फॉर्मूला पता होता है तो मोलर मास अपन निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या बोला है कि 4.3 लीटर सॉल्यूशन है, मतलब ये सेल नंबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाला दिया हुआ है डायरेक्टली 4.3। तो बस बन गया, गिवन मास पता है क्या, गिवन मास 30 ग्राम है सॉल्यूट का, 30 ग्राम ऑफ इतना इन इतना, तो ये कितना हो गया N1 गिवन मास बाई मोलर मास हो गया। फिर से NCERT क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन बहुत ही बेकार सा, 291 ठीक है, 30 बाई 291 हो गया मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम 4.3 लीटर। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा लगभग 0.024 मोलर, मोल्स पर लीटर भी बोल सकते हैं, कैपिटल M भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, अगर इसको डाइल्यूट करेंगे है ना, 30 ml ऑफ इतना डाइल्यूटेड टू 50 ml, पहले 30 ml था, अब उसको पानी डाल के 50 कर रहे हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये मेरा घोल है, ठीक है, ये दिख रहा है घोल, इसको थोड़ा सा अपन और क्लैरिटी के साथ कर देते हैं। हाँ, तो ये रहा अपना घोल, मान लेते हैं, अब मान लेते हैं ये 30 ml है, ठीक है, इसमें पानी डाल के बढ़ा देते हैं, तब ये बताइए क्या हल्दी का क्वांटिटी चेंज होगा। मान लीजिए कुछ पानी इसमें डाल दिए और इसको बना दिए हैं कितना, 500 ml, तो क्या हल्दी का क्वांटिटी चेंज हुआ, सॉल्यूट चेंज हुआ क्या? सॉल्यूट कैसे चेंज होगा जब पानी डालेंगे? तो डाइल्यूशन मतलब होता है पानी डालना। तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आना चाहिए एक बात कि पहले आपके पास कोई कंटेनर था, ठीक, उसमें आपने अगर पानी वगैरह मिलाया है, नया जो कंटेनर है उसमें सॉल्यूट सेम रहेगा। ठीक है, तो पहले वाला अगर देखे क्वेश्चन में तो बोल रहा है 30 ml था 0.5 मोलर, एक कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.5 मोलर और 30 ml दिया हुआ है, क्या मोल्स पता चल जाएगा इसमें कितने मोल्स हुए होंगे? तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स क्या हुआ, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो 0.5 इंटू 30 बाई 1000, वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, 30 बाई 1000, क्या इतना ही मोल्स यहाँ पे भी होगा, 30 बाई 1000, बिल्कुल। अब जो नया वॉल्यूम हुआ है V2, वो कितना हो गया है, तो बोला डाइल्यूट कर करके 500 ml तक ले गए, 500 ml मतलब कितना लीटर, हाफ लीटर, समझ में आया? तो क्या पूछा है, अगर 30 ml 0.5 मोलर वाला को H2SO4 को, H2SO4 सॉल्यूट था, डाइल्यूट करके 500 ml बना दिए हैं, तो आप मोलैरिटी बताइए। तो अब जो मोलैरिटी आएगा कैपिटल N, वो होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कोई चेंजेस नहीं आया है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस बार वॉल्यूम कितना हो गया, पहले 30 ml था लेकिन अब तो 30 है ही नहीं, अब तो बढ़ गया पानी डाल डाल के, तो कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। तो देखिए न्यूमरेटर सेम है बट वॉल्यूम बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया है, ठीक है, 0.5 लिख सकते हैं इसमें, हाफ इजिकल टू 0.5 होता है, क्लियर? तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन वाले क्वेश्चंस। इसका आंसर आएगा 0.03 मोलर, कम आया, पिछले बार देखिए कितना आया था। तो पानी डाला गया है और हमसे नया मोलैरिटी हम लोगों से पूछा गया है, ठीक, तो चेक करना है आंसर कितना आएगा, तो 5 5 कट रहा है, हाँ तो 3 के मैग्नीट्यूड में ही आंसर आ रहा है, ओके, तो बढ़िया है। तो पिछले वाले से रिलेट नहीं कर सकते, पिछले बार का 4.3 लीटर था ना पूरा, तो ये तो बोल रहा है 30 ml में ऐसा किए तो क्या होगा, तो 30 ml वाला का 0.5 मोलर का डाइल्यूट कर रहे तो कम हो गया, एक्सपेक्टेड था,
बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन का एक और फॉर्मूला भी यूज़ होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूला लिखना है तो लिख ले कि डाइल्यूशन में एक बात पक्का होता है, M1V1 क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, M2V2 क्या हो गया, नया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर आपने डाइल्यूशन किया है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कोई चेंजेस होगा क्या? नहीं होगा, जितना पहले सॉल्यूट था उतना ही बाद में। तो आप बहुत सारे बुक्स में देखेंगे ये लिखा हुआ है M1V1 इक्वल टू M2V2, बट आता है इसी लॉजिक से कि सॉल्यूट सेम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड किया जाए। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर। अब देखिए फिर से मोलर लिख दिया है, मोलैलिटी लिखते साथ ही ना हमारे ब्रेन को यह चमक जाना चाहिए क्या, कि हम लोग को कहीं ना कहीं कंसेंट्रेशन टर्म को पहले तोड़ करके स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे किया जाए। तो एक सेकेंड, तो 1.4 अटेम्प्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2.5 kg। तो आपको लिखना है तो फिर से सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन लिख सकते हैं। यूरिया दिया हुआ है, आइडेंटिटी यूरिया, यूरिया देते साथ अपने को मोलर मास पता होता है। ठीक है, मोलर मास आएगा 60 ग्राम। फॉर्मूला दिया हुआ है ना, मास निकाल सकते हैं। इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, इतना मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, 0.25 को स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.25 मोल्स रहा होगा सॉल्यूट का इन कितना, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, अब हम लोग को मास ऑफ यूरिया निकालना है जिससे 2.5 kg बन जाए। मतलब अगर फॉर्मूला बेसिक यूज़ करें तो मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब तीन वेरिएबल है, 1, 2, 3। क्या मोलैलिटी दिया हुआ है, हाँ, तो इस स्टेटमेंट का कोई काम ही नहीं है, 0.25। क्यों, क्योंकि दो चीज़ दिया हुआ है तीन में से, तो अपने को कोई एज्यूम करने का ज़रूरत नहीं है कि इतना में इतना रहा होगा। तो क्लियर कर दिया हुआ कि 2.5 kg है भाई, रहा क्या होगा, 2.5 kg है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 2.5 kg में कितना मोल्स रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक कैच है कि क्या सर सॉल्यूट जो 2.5 kg है वो तो सॉल्यूशन का वेट है, क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं, क्या लगता है? तो लॉजिकली तो नहीं ले सकते हैं, समझ में आया, लॉजिकली नहीं ले सकते हैं। तो आपको इसको तोड़ के करना चाहिए पूरे क्वेश्चन को। तो ये अप्रोच में क्या गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक, तो आपको लॉजिकली कैसे करना चाहिए कि भाई मास ऑफ सॉल्वेंट अगर इतना मोल्स था, जो स्टेटमेंट वाइज अपन लेंगे, तो इतना मोल्स यूरिया था, इतने मोल्स यूरिया में केजी नहीं निकाल सकते हैं सॉल्यूट का, क्या होता है, मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास 60 था तो गिवन मास पता चल जाएगा, हेंस गिवन मास ऑफ यूरिया इज दिस इनटू मोलर मास, मोलर मास कितना 60 आ गया, तो 60/4 15 ग्राम। तो बेसिकली ऐसे कोई आंसर में फ़र्क पड़ नहीं रहा है, 2.5 kg लिए थे ना, उसमें 15 ग्राम घटाई देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे जब एजम्पशन लेते हैं इतने मोल्स है तो ये क्या बोलते हैं, कितने सॉल्वेंट में है, जो स्टेटमेंट था 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब टोटल सॉल्यूशन अपना कितना हो गया, टोटल सॉल्यूशन हो गया सॉल्वेंट प्लस जो यूरिया आया 1015 ग्राम्स। ठीक है, तो इतना टाइम पास कर रहे हैं अपन, बट इतना टाइम पास नहीं भी करते तो हमारा आंसर सही आ जाता। ठीक है, तो 2.5 kg, तो 1 kg में इतना है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं टोटल जब 110 यूनिट मीटर इतना ग्राम सॉल्यूशन था तो यूरिया 15 था, तो 2.5 kg विच इज 2500 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया कितना होगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो सिर्फ करके दिखाएं, बट हम लोग को दिख रहा है कि 15 ग्राम आ रहा है, विच इज़ इनसिग्निफिकेंट, 1000 में 15 कितना ही होता है। तो अगर इग्नोर भी कर देते हैं ना,
ये 2.5 केजी को सॉल्यूशन का मास को सॉल्वेंट ले लेते तो भी हमारा सब कुछ सही हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 1.5, इसका भी हिंट दे देते हैं। तो इसका हिंट ये है, लेट मी ब्रिंग द टेबल, अभी बिना टेबल के देखिए ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना थोड़ा फंस सकते हो। तो कैलकुलेट मोलैलिटी लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी इज स्मॉल एम, ये क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई पर के जी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, के जी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में अपन ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ओके तो चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है और हमारा एवरेज जो वीडियो टाइम है वो 20 मिनट्स का ही रखना है। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।